जय श्री कृष्ण। गीता धाम ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत। प्रस्ताव में थे क्वेश्चन नंबर 4 हल कीजिए। जैसे ये एक सानी दी हुई है जिसके अंतर्गत हम लोगों को जैसे देखिए 14+ जिसके अंदर एक सारणी दी हुई है जिसके अंदर लिखा हुआ है इन सबको उसमें जोड़ना है। जैसे देखिए 14 के अंदर जब हम 4 जोड़ते हैं 14+4=14, 15, 16, 17 और 18 तो इस सारणी में यहाँ पर 18 आएंगे। उसके बाद देखिए 14+6=20 जो हमको इस एक गोलाकार आकृति में दिया हुआ है तो 14+6=20। उसी प्रकार से जैसे 14 के अंदर तक जैसे 0 जोड़ते हैं 14+0=14 यहाँ पर 14 आएगा। उसी प्रकार से 14+7 के अंदर जब हम 7 जोड़ेंगे 7 और 4 11 आसन का 1, 1 और 2 यहाँ पर 21 इस सारणी के अंतर्गत आएगा। जैसे 14+2=16 14 के अंदर जब हम 2 जोड़ेंगे तो इसके अंदर 16 आएगा। 14+5=19 14 के अंदर जब 5 जोड़ेंगे तो 19 आएगा। उसी प्रकार से 14+3 जोड़ेंगे तो इसमें आएगा 17 और 14 के अंदर 9 जोड़ेंगे तो 9, 10, 11, 9, 10, 13 ये आसेगा 1, 2, 23 यहाँ पर 23 आएगा। तो उसी प्रकार से इस सारणी के अंदर जैसे 14 के अंदर 6 जोड़े तो आए हमारे 20 तो उसी प्रकार से सबसे पहले 14+6 के अंदर आया 20 उसके बाद आया 18, 14, 21 और 16, 19, 17, 23 इस प्रकार से इसको हम आसानी से हल कर सकते हैं। जैसे देखिए ये हमने एक सारणी बनाई जिस पर हमको हल करना है, इसमें हमको जोड़ करना है। उसी प्रकार से अगला देखिए 317+84=7 8 9 10 11 1 8 9 10 की 3 1 4 इसमें 317 के अंदर जब हम 84 जोड़ते हैं तो 401 इसके अंतर्गत प्राप्त होता है। अगला देखिए 317+72 जैसे जब हम इसको जोड़ते हैं 7 और 2 9 7 और 2 हो गए 9 7 और 1 8 और 3 के 3 3 8 9 3 8 9 390 संख्या प्राप्त होती है। उसी प्रकार से अगला देखिए 317+61=7 और 1 8 6 और 1 7 378 संख्या प्राप्त होती है। उसी प्रकार से अगली संख्या है 317+21 7 और 1 8 2 और 1 3 और 338 338 संख्या हमको
प्राप्त होती है। उसी प्रकार से 317 के अंदर जब आप 90 जोड़ते हैं, 7 0 = 7, 9 और 1 10 की 100 हासिल का, 1 3 और 1 400, 7 407 संख्या हमको प्राप्त होती है। उसी प्रकार से 317 + 27 = 14 हासिल का 1 2 3 और 1 4 और 3 344 संख्या हमको प्राप्त होती है। उसी प्रकार से 317 के अंदर 0 जब जोड़ते हैं 317 वही संख्या हमको प्राप्त होती है। उसी प्रकार से 317 + 13 7 और 3 10 की 100 मासिक का 1 9 10 11 1 3 और 1 410 संख्या हमको प्राप्त होती है। देखिए जब हम इस सारणी को इसके अंतर्गत दिया हुआ है और कॉलम बने हुए 317 के अंदर जो संख्या सामने दी हुई है उसको जोड़ना है तो वो संख्या हमको प्राप्त हो जाती है। और क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर अगला जैसे क्वेश्चन नंबर दूसरा और तीसरा 523 + 50। जैसे हमको संख्या दी हुई है जैसे 674। जैसे देखिए सर्वप्रथम जब हम इसको हल करते हैं 523 + 151 को जब हम जोड़ते हैं तो 3 और 1 4 5 और 2 7 5 और 1 6 674 संख्या हमको प्राप्त होती है। तो उसी प्रकार से जब हम ज्ञात करेंगे तो सर्वप्रथम जैसे मान लीजिए हम ज्ञात करते हैं 523 + 601 3 और 1 4 2 के 2 और 6 10 और 1 11 1124 हमको प्राप्त होता है। उसी प्रकार से जैसे 523 के अंदर +143 जब हम इसमें जोड़ेंगे तो हमको संख्या प्राप्त होगी 3 3 2 6 4 2 6 5 और 1 6 667 संख्या हमको प्राप्त होगी। 667 संख्या प्राप्त होगी। उसी प्रकार से 523 के अंदर
अब 297 जब हम जोड़ते हैं, 7 और 3 10 की सुम, हासिल का 1, 10, 11, 12 का बिया, हासिल का 1, 5, 2, 7 और 1, 9, इसमें हमको संख्या प्राप्त होगी। जैसे 7, 8, 9, 10 की सुम, हासिल की 1, 9 और 1, 10, 11, 12 का बिया, हासिल का 1, 5, 2, 7 और 1, 8, 820 संख्या हमको प्राप्त होगी। उसी प्रकार से 523 के अंदर जब 377 हम जोड़ते हैं, 7 और 3, 10 की सुम, 7 और 2, 10 की सुम, हासिल का 1, 5, 3, 8 और 1, 9, जिसमें हमको 900 संख्या प्राप्त होती है। जब 523 के अंदर 377 हम जोड़ेंगे तो 900 हमको प्राप्त होती है। इसी प्रकार से 523 के अंदर प्लस 888 जब हम जोड़ेंगे, 8, 9, 10, 11 का 1 का 8 और 2, 10, 11 का 1 का हासिल का 1, 8, 5, 13 और 1, 1411। इस प्रकार से हम इन प्रश्नों को हल करते हैं। आज हम इतना ही प्रश्न हल करवाएंगे। जय श्री कृष्ण।